यूपी के उन्नाव में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। सांसद साक्षी महाराज के प्रतिनिधि हसनैन बकाई पर उनके घर के सामने ही देर रात फिल्मी अंदाज में कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। साक्षी महाराज के प्रतिनिधि कार से लखनऊ से लौटे थे, तभी दो बदमाश ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। लसनैन बकाई ने कार के नीचे बैठकर अपनी जान बचाई। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं आरोपी हमला करने के बाद मौके से भाग गए। गनीमत ये रही कि किसी को भी गोली नहीं लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो वहीं फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। सांसद प्रतिनिधि के कार को पुलिस ने जांच के लिए कब्जे में ले लिया है, तो वहीं हसनैन बकाई की तहरीर पर सफीपुर के नगर पंचायत के चेयरमैन नसीब अहमद, सईद अहमद, जहीर अहमद और फरीद अहमद पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित हसनैन बकाई ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि वो देर रात अपनी कार से घर पहुंचे थे। वो गैराज में गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तभी पीछे से आए दो लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। वो दोनों भी कार से आए थे। पहले उन लोगों ने दूर से फायरिंग की, बाद में पास आकर की, उसके बाद मौके से भाग निकले। देखिए 18 तारीख की रात में लगभग 1:25 पर मैं लखनऊ से अपने तमाम काम ख़त्म करके सफीपुर इंटर किया, और जैसे ही अपनी गैरेज पर मैं पहुँचता हूँ, छोटे भाई को मैंने कहा कि दरवाज़ा खुलवा दिया जाए, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पीछे से एक गाड़ी आई जिससे दो लोग उतरे, जिसमें से एक नकाबपोश था और एक का आधा मुंह खुला हुआ था। उन्होंने उतरते ही ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी, और जिस पर मैंने गाड़ी एकदम एक्सेलरेट से आगे बढ़ाई और आगे बढ़ाकर अपनी जान को बचाया, और छोटे भाई ने भागकर अपनी जान को बचाया। और ताबड़तोड़ वो घुसकर अंदर चाह रहे थे कि जो गैरेज बना हुआ है उसके अंदर घुसकर वो गोली चलाएं, लेकिन इत्तेफाक से चूंकि आवाज़ ज़्यादा हुई तो मोहल्ले के तमाम अफराद उड़ गए, और जिस पर लोगों के चिल्लाने के बाद वो भागे, वरना उनका इरादा पूरा यही था कि अंदर घुसकर किसी भी तरीके से हम लोगों को जान से मार दिया जाए। हसनैन बकाई ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके घर पर रेकी की जा रही है, उनकी जान को खतरा है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। देखिए 13 मई को मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया था कि मेरे पास कुछ साक्ष्य ऐसे हैं कि जिस पर सईद अहमद नाम का एक आदमी, जो पूर्व में आदरणीय स्वामी साक्षी जी महाराज को जान से मारने की धमकी दे चुका है, हमारे यशस्वी सांसद हैं ज़िला उन्नाव के, उसके बाद वो शख्स ये कह रहा है कि मारूंगा मैं और मुझे बचाएंगे नसीम अहमद, जो कि समाजवादी पार्टी के इस वक्त के वर्तमान चेयरमैन हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2017 के नगर निकाय चुनाव के दौरान फरीद की चुनावी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था, तभी से फरीद की तरफ से मुझे फंसाने की साजिश होती रहती है, मेरी जान को उससे खतरा भी है। बता दें कि सांसद प्रतिनिधि के छोटे भाई हसन पर भी फायरिंग की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले पर जांच हो और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। सरकार से मांग यही चाहता हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, और जो भी अभियुक्त इस वक्त फरार हैं, जो कि नसीम अहमद कल दोपहर तक यहां पर मौजूद था, वो शाम से फरार है, उसको उसकी गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, चूंकि प्रशासनीय काम किया है हमारे SHO साहब ने और CO साहब ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने, कि जिस पर तत्काल रूप से सईद अहमद और उसके लड़के जो कि पहले रेकी में रेकी कर रहा था, उसकी भी FIR 179/22 जिस पर सफीपुर में दर्ज है, उस पर कार्रवाई भी हुई, और उसने इस चीज़ को कबूला कि मुझसे रेकी की जो वीडियो घर की और मेरी गाड़ियों की वीडियो नसीम अहमद ने बनवाई थी, तो लिहाजा ये चीज़ साफ जाहिर होती है और गुड वर्क है ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का। लेकिन अब ये मैं चाहता हूँ कि जो नसीम अहमद जो कि फ़रार है, इसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए, वरना नसीम अहमद पसे पर्दा जो कि अभी तक फ़रार है, चूँकि वो गुंडा है, बदमाश है, भू माफिया है, वो कहीं पीछे से बैठ कर कोई ऐसी साजिश ना रच रहा हो कि अभी जिस तरीके से मैं बच गया हूँ और हो सकता है आने वाले वक्त में मैं जान से मार दिया जाऊँ। खौफ ये है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वही पुलिस ने इस मामले में चेयरमैन समेत 4 पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सफीपुर में एक मामला आया है जिसमें दो पक्षों में, जो कि एक चेयरमैन का पक्ष और एक दूसरा सफी है, इनके बीच में बहुत दिनों से रंजिश चल रही है, और इसी कारण चलते
एक गोली चलाने की सूचना आई है, जिसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। विवेचना से जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि अब ये मामला धीरे धीरे राजनीतिक हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।